Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shazay. Happy birthday to you. क्या हुआ, रुक क्यों गए? केक तो कट गया। कोई बात नहीं, शाज़िम से एक्सक्यूज कर लेंगे। चलो है यार, कहाँ थे तुम लोग यार, हम कब से वेट कर रहे थे। हाय अमल, कैसे हो? गुड टू सी यू। मैं जानता था तुम मेरा बर्थडे नहीं भूल सकती। अच्छा सब छोड़ो, मेरा गिफ्ट कहाँ है? I'm sorry, इस बार मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सकी शाज़िम। पैसे नहीं होंगे ना बेचारी के पास। It's okay. शाज़िम, तुम्हारी सालगिरह पे अमल खुद आ गई, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? Anyway, happy birthday. Right, thank you. वैसे अमल, तुमने मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया यार। तुम्हारी कंपनी में वो पहली जैसी बात नहीं रही यार। क्यों मनाए? ये वही अमल है हमारी दोस्त। डू यू बिलीव दिस? हैप्पी बर्थडे शाज़िम। थैंक यू। बेला कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो दुबई ट्रिप पे गई है। सो गाइस, लेट्स सेलिब्रेट। सबको भी केक दो ना। ये लो। रख लो। ठीक है ना? ठीक हूँ। गर्मी से ना चक्कर आ गए थे मुझे। कुछ पूछने आए थे? जी मामा। शीर, बैठो। मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। अरे ये तो बहुत आसान है, कल बताया था ना मैंने। देखो, सोनिया ने राफे का एडमिशन करवा दिया स्कूल में। खबरदार जो आपने उसकी मंथली फी दी तो। अरे भाई मैं क्यों दूंगा फीस? लेकिन वो तो इसी खुशफहमी में है ना कि आप उसके बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अशफाक भाई की तरह बड़ा आदमी बना देंगे। अब इतनी मोहब्बत भी नहीं है भाई मुझे इससे। और अगर सोनिया अपना दिल खुश करना चाहती है, अपनी मर्जी चलाना चाहती है तो कर लेने दो। वैसे भी राफे 2-3 महीने तक स्कूल जाएगा, उसके बाद बैठ जाएगा घर पे। हाँ शुक्र है आपको अकल तो आई, अपने बच्चों के बारे में सोचें बस। ओके बॉस। सदाकत, मैं ना बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर से 3-4 बार पूछा, अल्ट्रासाउंड भी करवाया, लेकिन वो सही से बता ही नहीं रही कि बेटा है या बेटी। तुम देख लेना, इंशाल्लाह बेटा ही होगा। मैं भी यही चाहती हूँ, दोनों भाइयों की जोड़ी बन जाएगी, खूब मिलके खेलेंगे। भाई हमारे खानदान में सिर्फ लड़के ही होते हैं, याद रखो। ये देखें, मैंने तो सारी शॉपिंग भी लड़कों वाली की है। वाह भाई, अच्छा है ना? क्यूट है। अरे अनवार, वो मुझे आपको कुछ बताना था।
राफिक का ना स्कूल में एडमिशन हो गया है, कल से वो स्कूल जाएगा। लोग सही कहते हैं, कोई कुछ करे ना करे अल्लाह रास्ता खुद ही बना देता है। हाँ, और तुम जो हो तंस के तीर चलाने से बाज मत आना, हर वक्त अपने भाई और उसकी औलाद के बारे में ही सोचती रहना। अरे इसीलिए तुम्हारे दोनों बेटे जो है ना वो छोड़कर चले गए तुम्हें, और एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने कि जिंदा हैं या। मुझे क्या कह रहे हैं आपने तो अपने बेटों को खुद बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, जब उन्होंने अपनी मर्जी से शादियां कर ली तो आपको ये बहुत नागवार गुजरी ये बात, मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? बात सुनो, ये जो पसंद की शादियां करना है ना, ये तुम्हारे खानदान को विरासत में मिला है, पहले अशफाक ने की, उसके बाद तुम्हारे दोनों बेटों ने, अब अपनी भतीजी पर नजर रखना कहीं वो भी। अनवार, बच्ची का नाम नहीं ले, बुरी बात है। अच्छा अच्छा खैर छोड़ो, राशिद आता है ना तो उसे कहना कि साइड पर पहुंचे। अरे इस उम्र में मेरा बस यही काम रह गया है कि कोशिश करो, करते रहो और दूसरों को बिठा के खिलाते रहो। मिसाल तो वो बन गए कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। एक बात बताओ, ये जो राफे के एडमिशन के पैसे हैं वो क्या सदाकत ने दिए? नहीं, वो सुनो ने अपना मोबाइल बेच कर दिया। आप जाए, राशिद आएगा तो मैं कह देती हूँ कि आपने बुलाया। जा रहा हूँ। सदाकत, सदाकत। क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ सदाकत? बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। देखो अपना, मैं सोनिया, सोनिया क्या हुआ? इसकी तबीयत। सदाकत इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ, देर मत करो, जल्दी करो। आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, उठो उठो आराम से। अच्छा सुनो, अब मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, फोन इसके कमरे में, फोन करूंगा मैं वहां से, ठीक है? ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम इसे आराम से लेके जाओ, संभल के आराम से। बहुत दर्द हो रहा है सदाकत। कोई बात नहीं, मैं चलूंगा। क्या नहीं, तू गरम कर। ये कौन लाया? मैं लाया हूं। क्या गिफ्ट है तुम्हारे लिए? अंकल मुझे नहीं चाहिए, आप वापस ले जाए। अम्मा रुको, मेहनत से पैक। ये राफे ने मुझे बताया कि तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खरीद लिया। लड़कियों के इस्तेमाल की चीज है, मेरे तो किसी काम की नहीं, इसलिए रख लो। अंकल राफे तो कुछ भी कहता रहता है, ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। कभी तो तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आएगा।